आज देशभर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे महादेव की विशेष कृपा मिलती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। पुराणों में महाशिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। आपको बता दें, आज शिवरात्रि के मौके पर पूरे देश भर में धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है और शिव भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में लगना शुरू हो चुका है। आज के दिन जो शिव भक्त होते हैं वो सूर्य उगने से पहले ही भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, शिव भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं और अपने साथ पूजा की थाली के साथ भगवान शिव की पूजा करने पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, आज लगातार जो भी शिव मंदिर है वहां पर जो शिव भक्त है उनका तांता लग चुका है। मंदिरों में रश देखने को मिल रहा है काफी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो भक्त है उनके अंदर पूजा करने को लेकर कितना हर्षोल्लास देखने को मिल रही है और कितने उत्सुक हैं लोग आज महाशिवरात्रि को लेकर। तो भगवान शिव को दूध, बेलपत्र, बेल इत्यादि से इत्यादि अर्पण कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान शिव के सहयोगी कहे जाने वाले नंदी, उसकी भी पूजा अर्चना की जा रही है। ये मान्यता है कि आप ये देख सकते हैं कि पांच तस्वीरें जो हमारी हैं वाराणसी से, आप देख सकते हैं कैसे वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे वहां पर शिव भक्त आए हुए हैं। फिर दूसरी तस्वीर नोएडा से है और तीसरी तस्वीर गोरखपुर से, चौथी तस्वीर कानपुर से है और पांचवी तस्वीर जो है लखनऊ से। आप ये देख सकते हैं कैसे ये शिव भक्त कितना जोश में दिखाई दे रहा है और शंख लिए हुए कतार में खड़ा है ये भक्त और भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए व्याकुल है। आप ये देख सकते हैं पांच तस्वीरें। ये पहली तस्वीर वाराणसी की है जिसको खुद बाबा की नगरी कहा जाता है। बाबा यानी कि बाबा विश्वनाथ यानी कि भगवान शिव की नगरी से कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां हुई हुई हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं मनकामेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर। अंदर गर्भगृह है, भक्तों की कतार यहाँ लगी हुई है। आप देखिए यह लाइन देर रात ही शुरू हो गई थी ब्रह्म मुहूर्त में। ये गर्भगृह है मनकामेश्वर मंदिर का। आप देखिए यहाँ पर कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई रुद्री का पाठ करता नजर आ रहा है, कोई भगवान भोले को दूध से नहला रहा है तो कोई भक्त फूल चढ़ा रहा है। ये नज़ारा साल में एक बार देखने को मिलता है, अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर भक्त लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, अपने भक्ति भाव से विभोर हैं, पूरी तरह से भक्ति में माहौल। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हम यहाँ बात करना चाहेंगे, यहाँ के व्यवस्थापकों से ही आपसे बात करना चाहेंगे। ये यहाँ पर सुबह कितने बजे से भक्तों का ये तांता लगा हुआ है? ये रात में तीन बजे से प्रॉपर चल रहा है। हाँ, आरती के बाद से प्रॉपर चल रहा है। पहली आरती कितने बजे होती है? पहली आरती रात में 3 बजे तो हुई थी, 3 बजे हुई है। जैसा कि उन्होंने बताया कि रात 3 बजे से ही यहाँ भक्त गर्भगृह में आना शुरू हो गए थे और यदि हम भक्तों के मंदिर के बाहर परिसर में आने की बात करें तो देर रात 12-1 बजे से ही भक्तों ने यहाँ पर लाइन लगा ली थी, सबसे पहले भगवान भोले के दर्शन करने के लिए। भक्त यहाँ उत्साहित और भक्ति में माहौल में पूरी तरह से भावपूर्ण है और उन्होंने तट के किनारे देर रात से ही लाइन लगा करके अब गर्भगृह तक पहुंच पाए हैं। रात 3 बजे से यहाँ भक्त लगातार ओमकारेश्वर के नारे लग रहे हैं, भगवान भोले के जयकारा लग रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, पूरी तरह से भक्तिमय माहौल देखा जा सकता है। बारिश भी देर रात से हो रही है, ऐसे में भीगे हुए भक्त भक्ति भाव में भी भीगे हुए और बारिश में भी भीगे हुए भक्त लगातार यहाँ लाइन। बारिश हो रही है लेकिन भक्ति भाव में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही? नहीं, कोई कमी नहीं है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं भक्ति करने के लिए, काफी दूर दूर से लोग। बारिश भी हो रही है फिर भी लाइन बहुत लंबी है, डालीगंज तक लाइन लगी हुई है। डालीगंज तक लाइन लगी हुई है, जो लाइन का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सुबह होगी लाइन और बड़ी हो जाएगी, इस तरह का कहना है यहाँ के भक्तों का। R9 TV लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ आदित्य द्विवेदी।
तो महाशिवरात्रि के मौके पर हमारे सहयोगी गाजियाबाद से अनिल चौधरी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे वहां पर कैसे हालात हैं। अनिल, अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि का जो महापर्व है उसकी जो एक ललक है वो शिव भक्तों में अलग ही देखने को मिलती है, तो ऐसे में शिव भक्त वहां पर किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं और वहीं उसके साथ मंदिरों में किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं भक्तों को लेकर? देखिए अभिषेक जी, महाशिवरात्रि का पर्व है, बड़े धूमधाम से दुधेश्वर नाथ मंदिर में ये पर्व मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो पीछे लाइनें हैं वो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें हैं। सुबह से ही ये लाइनें जो है लग गई थी, जो भक्त हैं वो पूजा के सामान लेकर जा रहे हैं। कोई तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, दुग्धेश्वर मंदिर का ये पूरी तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से महाशिवरात्रि की धूम जो भक्त हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है। प्रातःकाल से ही भक्त लाइनों में लगे हुए, कतारों में खड़े हैं, बस उनकी एक ही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन हो सके, यानी कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन जल्दी से जल्दी कर सके आज इस पावन मौके पर। तो हमारे सहयोगी अनिल इनसे बात करेंगे फिर से। अनिल, आपने जिस प्रकार से दिखाया कि लोग कतारों में भोर से ही खड़े हैं, तो लोगों का क्या कहना है कि आज महाशिवरात्रि को लेकर उनके अंदर कितना उत्साह है? बिल्कुल अभिषेक, हम बात करते हैं जो यहाँ पे भक्त हैं, काफी कई किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, भक्त सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। लाइन इतनी ज्यादा लंबी है तो जिसके चलते काफी देरी हो रही है। बात करते हैं, क्या नाम है? नंदिनी वर्मा। किस तरीके से पूजा? तो आपको बता दें महाशिवरात्रि की धूम किस प्रकार से आपने देखा गाजियाबाद के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में चल रही है, वहां पर लगातार रात से ही लाइनें लगी हुई हैं और जो शिव भक्त हैं वो कतारों में खड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी ने यहां मंदिर का पूरा जायजा लिया और आपको दिखाया, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो शिव भक्त हैं वो रात से ही कतारों में खड़े हैं और शिव की एक झलक पाने के लिए व्याकुल हैं। तो आपको दिखाते हैं कि मेरठ से हमारे सहयोगी ने क्या कुछ देखा और महाशिवरात्रि की जो धूम है वो मेरठ में कैसी चल रही है। शिवरात्रि के मौके पर अब श्रद्धालुओं का जत्था बाबा अवगणनाथ मंदिर पहुंचने लगा है। आपको बता दें रात से हो रही बारिश के चलते कहीं ना कहीं श्रद्धालु घरों में कैद हो गए थे, लेकिन अब चूंकि मौसम बढ़ रहा है, साफ हो रहा है और समय बढ़ रहा है तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, कैमरामैन से कहूंगा कि जो मुख्य द्वार है बाबा अवगणनाथ मंदिर का उसको दिखाएं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं, छः इंस्पेक्टर हैं और इसके अलावा 40 सब इंस्पेक्टर को लगाया गया है, पीएससी की जो कंपनी लगाई गई है, इसके अलावा तमाम पुलिसकर्मी हैं और एसपी सिटी यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, साथ ही एसपी क्राइम भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने थे लेकिन बारिश के चलते कहीं ना कहीं श्रद्धालु पहुँच पाने में दिक्कत हुई है। अब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आप देखेंगे मेरे साथ एक श्रद्धालु मौजूद है, क्या नाम है आपका? मानव बंसल। मानव, कहाँ से हैं? मैं आया हूँ सर शास्त्री नगर से। अच्छा, इतने लेट कैसे पहुँचे? सर सुबह से इंतजार कर रहा था, बारिश हो रही थी, 4:15 बजे से इंतजार कर रहा हूँ मैं, बारिश हो रही है पर बारिश धीरे हुई तब मेरे को निकलना हुआ। मैं तो हर मंडे आता ही हूँ, शिवरात्रि पे तो मुझे आना ही था, हर मंडे आता हूँ बाबा के दर्शन करने। बाबा के दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिलती है। क्या श्रद्धा है अभी समय मन में? बस मन में इतना श्रद्धा है जो कुछ भी हो, अब ये देख लो इतनी दूर से भीगते हुए आ गए, कोई बात नहीं, बारिश होए चाहे होए, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और बारिश भी तेज थी तो इसलिए घर वालों ने भी नहीं निकलने दिया, लेकिन फिर जैसे हल्का सा प्रकाश आया तो देख लो इस समय तो अब जाने का टाइम आ गया, पूरा दर्शन वर्शन कर लिए सब। तो बिल्कुल सभी के साथ ये समस्या है। हालांकि बाबा अवगणनाथ मंदिर में जो बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ते हैं वो संख्या भी नहीं देखी गई है, लेकिन अब जैसे जैसे बारिश कम हुई है और मौसम साफ हो रहा है तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा पूरी तरह से बाबा अवगणनाथ मंदिर में पहुंच रही है, पहुंच रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से बाबा अवगणनाथ मंदिर को यहाँ सजाया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बाबा अवगणनाथ मंदिर को यहाँ पर किस तरीके से सजाया गया है, लड़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वो लगाई जाती हैं और इसके अलावा जो
ऊपर तक आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर एक अद्भुत और शानदार नज़ारा आपको देखने को मिला, क्योंकि रात में ये तमाम जो लाइटें लगी हैं जलती हैं, हालांकि दिन निकल चुका है, ऐसे में अब लाइटें बंद हो चुकी हैं। लेकिन बाबा ओगड़नाथ मंदिर का अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास काफ़ी पुराना है और 1857 की क्रांति से सीधा सीधा नाता है, तो ऐसे में श्रद्धालु खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इसी मंदिर में आकर जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। और खासकर देखा जाता है कि सावन में जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन सावन जैसे हालात आज हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है। कैमरामैन सलमान के साथ मनोहर चौहान, R9 TV मेरठ। तो यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो वाराणसी है, बाबा की काशी जिसे कहा जाता है, वहां का इस समय क्या हाल है। आप ये देख सकते हैं कि जो भक्तों का जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि भक्त महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में पहुंचे हुए हैं।